टॉर्क देखो दोस्तों, क्या शानदार जोर लगा रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगेश ब्लॉक में। और आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहा है दोस्तों, स्वराज 855 थ्री स्टार। और अपने खेत में कंप्यूटर माजा चल रहा है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है ट्रैक्टर। और मैं आपको दिखाऊंगा, टॉर्क दिखाऊंगा ट्रैक्टर का। ये अपनी मशीन फिट है, यहाँ से ये सेंस कर रहा है। और दोस्तों ये वाला अपना पॉइंट है जो आप लोग सामने देख रहे हो, ये अपना पॉइंट है। ये वाला खेत का काफी ऊंचा पॉइंट है और यहाँ से मिट्टी उठ के दूसरी साइड में जा रही है। मैं ट्रैक्टर का टॉर्क दिखाऊंगा दोस्तों आपको, कितना शानदार जोर लगा रहा है। देखिए दोस्तों, आपको आवाज दिखाई दे रही होगी बहुत ज्यादा। यही दोस्तों पावर का फर्क है, अगर यहाँ पर छोटा ट्रैक्टर होता तो बंद हो जाता, और स्वराज के अलावा किसी और भी कंपनी का ट्रैक्टर होता तो शायद इतना बढ़िया टॉर्क नहीं दिखाता और शायद बंद भी हो सकता था। स्वराज के जितने भी ट्रैक्टर है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, दबेंगे, दबने के बाद तेल चाहे वो कितना भी उठा जाए पर बंद होने का कोई मतलब नहीं है। आरपीएम ड्रॉप बहुत कम करते हैं। महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं जो दोस्तों दब जाते हैं, तेल कम खाते हैं हमेशा। ये ट्रैक्टर बताऊंगा आपको, 17-18 मॉडल है ये। इसकी वीडियो आपने पहले भी मेरे चैनल पर देखी होगी और बहुत ही शानदार चल रहा है। दूसरे एच के दूसरे में चला रहा है ये दोस्तों, दूसरे के हाई गियर में चल रहा है ट्रैक्टर। तो बार बार दिखा रहे हैं आपको, दोबारा देखना दोस्तों क्या शानदार जोर लगा रहा है ट्रैक्टर। टॉर्क देखो दोस्तों, टॉर्क क्या शानदार टॉर्क है यहाँ पे दोस्तों। अगर महिंद्रा का ट्रैक्टर होता या जैसे पावर ट्रक वगैरह होता तो वो थोड़ा दब जाता है, तेल हमेशा कम लेता है। स्वराज का कोई भी ट्रैक्टर है जब लोड पड़ता है तो तेल मेरे किसान भाई वो हमेशा ज्यादा लेता है। अब नई टेक्नोलॉजी का तो मैं खास कह नहीं सकता, और पुरानी टेक्नोलॉजी के जो भी स्वराज के ट्रैक्टर है, स्वराज 735 हो गया, चाहे 44 हो गया, चाहे 855 हो गया, आज तक जो भी ट्रैक्टर आया दोस्तों बहुत अच्छे कामयाब हुए सारे ट्रैक्टर। अब लोग बताना दोस्तों आप लोगों को स्पीड कैसी लग रही है ट्रैक्टर की। मेरे तो लग रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इन किसान भाई की ये भी बात बढ़िया, जैसे ये लोड पे चलाएंगे ट्रैक्टर को तो पहला गियर में भी कर लेते हैं, दूसरे में भी कर लेते हैं, और बाकी नहीं तो ज्यादातर ट्रैक्टर को कोशिश ये करते हैं दूसरे गियर में चलाने की। और देख रहे हैं दोस्तों माजा पूरा भर के आ रहा है। तो देखो दोस्तों क्या शानदार है आवाज, देखो दोस्तों स्वराज की वेरी गुड परफॉर्मेंस दोस्तों। ये ट्रैक्टर दोस्तों किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। स्वराज के नाम से कम पहचाना जाता है, ये 855 के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और इन किसान भाई के लिए, इस ट्रैक्टर को चलाते हुए काफी समय हो गया और इन्होंने ये बहुत ही कम चला हुआ ट्रैक्टर लिया था, अभी तक बहुत ही बढ़िया चल रहा है इनके पास। ये अभी तक कोई भी ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप लोगों के पास किसी के ट्रैक्टर हो किसान भाई तो बताना कैसा परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर का। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, तेल थोड़ा ज्यादा लेता है मैं बार बार कहूंगा, पर इतना भी ज्यादा नहीं देता है जितना लोग बदनाम करते हैं। टॉर्क देखिए दोस्तों, टॉर्क कितना जोर लगा रहा है। ये वाला कॉर्नर दोस्तों काफी ऊंचा है, कम से कम यहां से 2-3 फीट मिट्टी उठ रही है और ये सब ये दूसरी अपोजिट साइड मिट्टी जा रही है। और जो सामने बिल्कुल दूसरी साइड अभी आपको दिखाई दे रही है उस साइड में टोटल मिट्टी जा रही है। बहुत छोटा सा ये खेत है और हम लोग ऐसे ही करते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अभी हम इसमें एक तरफ से पानी छोड़ देंगे, पूरा भर जाएगा, छोटा सा खेत है 2-2.5 बीघे का। और दोस्तों पैसा खर्च होता है कहीं भी तो उसका लाभ तो अवश्य किसान को कहीं ना कहीं मिलता है। अगर इसमें 1 घंटे भी ट्रैक्टर चल जाएगा या आधा घंटे भी ट्रैक्टर चल जाएगा, ट्रैक्टर लगभग आधा घंटे तो चल चुका है, और अगर 1 घंटे भी इसमें ट्रैक्टर चल जाएगा तो 700-800 रुपए का काम हो जाएगा कम से कम। किसी भी
खेत मालिक के लिए मजदूर इस पर छोड़ना नहीं पड़ेगा हमारे को, और दो पानी तीन पानी में अगर हमने 350 रुपए का मजदूर नहीं भी रखा तो हमारे कंप्यूटर के पैसे वसूल हो गए। और ये 50 HP का ट्रैक्टर है, अभी जो नए आए 5 स्टार वो दोस्तों 16855 55 HP का है। ये 3 स्टार है, ये 50 HP वाला मॉडल है, और क्या शानदार चल रहा है। और ये ट्रैक्टर के खुद ही मालिक हैं जो अपने ट्रैक्टर के लिए चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चलाया है इन्होंने, और बहुत ही साफ सुथरा ट्रैक्टर है, बहुत ही मेहनत से चलाया है, बहुत ही केयर से रखा है। और बताना दोस्तों आप लोगों को ये ट्रैक्टर कैसा लगा, और मेरे किसी भी किसान भाई के पास हो तो बताना इसका कैसा परफॉर्मेंस है। दोस्तों मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करना, और ऐसे ही नए नए वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।